हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट विद न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस, दैट इज साइबर सेफ्टी। सो हम देखते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स कि इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है या इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है। फर्स्ट वी हैव इज व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, सेफली ब्राउजिंग द वेब, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन व्हाइल यूजिंग इंटरनेट, confidentiality of information, cyber crime, computer forensics, cyber law and IT act, common social networking sites, appropriate usage of social network। तो यार ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। तो यार ये डेफिनेशन है साइबर सिक्योरिटी की। The safe and responsible use of internet to ensure safety and security of our private information। तो यार हम इंटरनेट को कैसे सेफली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करें जिससे हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिक्योर और सेफ रहे। ठीक है, हम इंटरनेट को कैसे सेफली और रिस्पॉन्सिबल यूज करें जिससे हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेफ और सिक्योर रहे। It also includes not creating threat for anyone else information। इससे हम और एक और चीज इंश्योर करते हैं कि दूसरों की इंफॉर्मेशन पर भी कोई थ्रेट ना आए। तो ये तो हो गया तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी, बस इतना सही है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज सेफ ब्राउजिंग। सेफली ब्राउजिंग द इंटरनेट, वी कैन सेफली ब्राउज द वेब बाई कीपिंग फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड। Try to avoid opening websites which are not secure। तो यार हमें ऐसी websites open करनी से avoid करना चाहिए जो secure नहीं है, without HTTP। आप किसी भी website की authenticity अगर आपको check करनी है तो उस website की address के सबसे आगे check कर लो कि HTTP mention है कि नहीं। अगर mention नहीं है तो समझ जाना कि वो website authentic नहीं है। Next we have is don't provide your email, contact number, other such information on websites you are not fully sure of। तो यार इंटरनेट पे हमें बहुत प्राइवेट इंफॉर्मेशन देने से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज बी अवेयर ऑफ पॉसिबल डेंजर्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। तो यार हमें इंटरनेट पे सारे पॉसिबल डेंजर्स के नॉलेज होनी चाहिए और अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हम उसे अवॉइड कैसे करें वो हमें पता होना चाहिए, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। फर्स्ट टॉपिक दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड विच इन्वॉल्व्स यूजिंग अदर आइडेंटिटी टू स्टील मनी एंड टू गेन अदर बेनिफिट्स। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल, क्रिमिनल और मेडिकल थेफ्ट। तो यार ऐसे टाइप ऑफ फ्रॉड जिसमें हम दूसरों की आइडेंटिटी यूज करके उनसे पैसे चुराते हैं या अदर बेनिफिट्स गेन करते हैं। और ये बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं, इट कैन बी फाइनेंशियल, क्रिमिनल और मेडिकल। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारी आइडेंटिटी थेफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज हाउ वेबसाइट्स ट्रैक अस। जो भी वेबसाइट्स हमारा डेटा यूज करती है वो हमें ट्रैक कैसे करती है। फर्स्ट वी हैव इज आईपी एड्रेस। अब बहुत बार तो ये नाम सुना होगा आईपी एड्रेस, पर अब देखते हैं आईपी एड्रेस होता क्या है। अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। तो यार एक नेटवर्क पर हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और एक हर एक कंप्यूटर का उस नेटवर्क पर एक यूनिक एड्रेस होता है। उस यूनिक एड्रेस को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कुकी, अ पीस ऑफ डेटा फ्रॉम वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड विद इन अ वेब ब्राउजर दैट द वेबसाइट कैन रिट्रीव एट अ लेटर टाइम। तो यार ये एक फाइल होती है जो वेबसाइट स्टोर करा देती है कहाँ पर, वेब ब्राउजर पे, जिससे वेबसाइट बाद में कभी भी उस वेब ब्राउजर से डेटा रिट्रीव कर सकती है। तो यार देख रहे हो कैसे डेटा लीक हो जाता है वेब ब्राउजर से ही डायरेक्ट वेबसाइट्स के पास। नेक्स्ट वी हैव इज HTTP referrer, other websites link using ads, GIFs etc which leaks our data। तो यार कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी इमेज पर क्लिक करते हो और किसी
वेबसाइट की लिंक खुल जाती है जिस पे हमें जाना नहीं होता। जैसी वो वेबसाइट हमारे पीसी के ब्राउजर पे खुलती है, उस वेबसाइट को हमारी आईपी एड्रेस और लोकेशन पता लग जाती है। तो हमें इंटरनेट पे बहुत प्रिकॉशन लेके हर एक चीज पर क्लिक करना चाहिए अगर हमें अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करके रखनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज सुपर कुकी, कुकीज विच कम बैक इवन आफ्टर डिलीशन। तो यार ये एडवांस वर्जन होता है कुकी का जो डिलीट होने के बाद दोबारा हमारे पीसी में आ जाती है। जो भी हम अपनी आइडेंटिटी है इंटरनेट पर उसे प्रोटेक्ट कैसे करें, तो यार देखते हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। फर्स्ट वी हैव इज अनोनिमस और प्राइवेट ब्राउजिंग। यूजर्स कैन व्यू वेबसाइट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक आईपी एड्रेस और लोकेशन ऑफ यूजर। तो यार हमें ऐसे ब्राउजिंग के मेथड यूज करना चाहिए जिससे हमें अपना आईपी एड्रेस और लोकेशन देना ना पड़े। उस टाइप के ब्राउजिंग को हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस या प्राइवेट ब्राउजिंग। इसे हम अचीव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला है इनकॉग्निटो ब्राउजिंग। ठीक है, पढ़ाई कर लो पढ़ाई। इट ओपन्स वेब ब्राउजर इन सच अ वे दैट इट विल नॉट ट्रैक योर एक्टिविटीज ऑन इंटरनेट। तो यार ये वेब ब्राउजर पे ऐसे इंटरनेट को यूज करना अलाउ करता है जिससे वेबसाइट्स हमारी एक्टिविटीज ट्रैक नहीं कर पाती। अगर आपने कभी इनकॉग्निटो मोड यूज करा होगा, मोस्टली जो सब लोग यूज करते हैं, तो देखा होगा कि वो कभी भी हिस्ट्री स्टोर नहीं करता। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम प्रोवाइड दिस फीचर। आजकल के वेब ब्राउजर जैसे मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम इनकॉग्निटो मोड प्रोवाइड करते हैं। तो यार ये सेम वही वाला पेज है। नेक्स्ट दूसरा मेथड होता है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का, दैट इज प्रॉक्सी। इट्स अ कंप्यूटर ऑन नेटवर्क दैट एक्ट्स एज अ मिडलमैन बिटवीन कंप्यूटर एंड वेबसाइट, सो योर आईपी एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन इज नेवर शेयर्ड। तो यार ये समझ लो आप हो और ये कंप्यूटर नेटवर्क है, तो प्रॉक्सी काम करता है एज अ मिडलमैन का। तो हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रॉक्सी के पास देते हैं और प्रॉक्सी अपनी इंफॉर्मेशन नेटवर्क को देता है जिससे हमारी इंफॉर्मेशन बस प्रॉक्सी तक रुक जाती है। तो हमारे कभी भी आईपी एड्रेस वेबसाइट्स पता नहीं लगा पाती। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉक्सी इज ओनली शेयर्ड, बस प्रॉक्सी की इंफॉर्मेशन वेबसाइट ले सकती है, हमारी सेफ रहती है। सी इज वीपीएन। वीपीएन सुना होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इट्स अ टेक्निक टू एड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू योर नेटवर्क। इट नेवर शेयर्स आईपी एड्रेस लोकेशन एंड अदर डिटेल्स ऑफ योर कंप्यूटर। यार ये एक ऐसा टेक्निक है जो हमारी इंटरनेट की ब्राउजिंग में सिक्योरिटी लगा देता है जिससे कभी भी वो आईपी एड्रेस लोकेशन और बाकी डिटेल शेयर होने से रोक देता है। तो यार ये थे हमारे तीन मेथड आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के, विच आर इनकॉग्निटो ब्राउजिंग, प्रॉक्सी एंड वीपीएन, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो आर नेक्स्ट टॉपिक कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। It ensures that only authorized users get access to sensitive and protective data. Confidentiality ensure कराता है कि जो भी बस authorized user है उसे ही हमारी sensitive और protective data मिल पाए। Practices to ensure confidentiality, हमें क्या करना चाहिए जिससे बस authorized user हमारा data access कर पाए। सबसे पहला है install firewall to monitor data entering and exiting the computer network. तो यार कई बार होता है हमारे ईमेल से ही वायरस आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, तो हमेशा हमें फायरवॉल इंस्टॉल करके रखना चाहिए जिससे हमारे पीसी में या कंप्यूटर नेटवर्क पर क्या आ रहा है जा रहा है सब चीज की इंफॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट वी हैव इज यू कैन डिसेबल कुकीज। जो हमने कुकीज पढ़ा था उसे हम डिसेबल कर सकते हैं जिससे हमारा डेटा बाहर नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज गो फॉर प्राइवेट और अनोनिमस ब्राउजिंग। हमने इसके तीन मेथड्स जो पहले पढ़े थे वो वाले ब्राउजिंग मेथड हमें यूज करने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज बी केयरफुल बिफोर शेयरिंग योर पर्सनल डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया एंड अदर वेबसाइट्स। हमें बहुत प्रिकॉशन के साथ अपने प्राइवेट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज डोंट डाउनलोड अटैचमेंट फ्रॉम ईमेल्स। अगर ईमेल कोई वेरीफाइड नहीं है तो उसके अंदर के अटैचमेंट हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द वायरसेस अटैक हमारे ईमेल से ही होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज अवॉइड यूजिंग फ्री वाईफाई इंटरनेट कनेक्शंस।
हमें हमेशा फ्री वाईफाई अवॉइड करना चाहिए अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंट या इम्पोर्टेंट काम ना हो तो. नेक्स्ट वी हैव इज अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स एज साइबर कैफेज एंड शॉप्स. अभी यार पब्लिक कंप्यूटर यूज करना बेकार तो नहीं है, पर अगर पब्लिक कंप्यूटर पे तुम वाईफाई यूज कर रहे हो तब बहुत प्रिकॉशन के साथ हमें सब कुछ यूज करना चाहिए. तो यार ये तो हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी. नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज साइबर क्राइम. तो यार डेफिनेशन देखते हैं साइबर क्राइम की. एनी लीगल एक्टिविटी डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज कॉल्ड साइबर क्राइम. तो यार कोई भी लीगल एक्टिविटी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज हो उसे हम क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम. तो यार साइबर क्राइम हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं, जैसे साइबर ट्रॉल, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, स्प्रेडिंग र्यूमर्स, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, इलीगल डाउनलोड्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, स्कैम्स. तो यार ये सारे टॉपिक्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ आर टॉपिक, दैट इज साइबर क्राइम. फर्स्ट वी हैव इज साइबर ट्रॉल. इट्स अ वे टू पोस्ट ऑनलाइन मैसेज टू इंसल्ट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल. तो यार ऑनलाइन अगर आप किसी का इंसल्ट करते हो तो वो किसके अंदर आता है, साइबर ट्रॉल के अंदर. नेक्स्ट वी हैव इज साइबर बुलिंग. हरासिंग, डिफेमिंग, एम्बेरसिंग समवन यूजिंग इंटरनेट, ये सारा किसके अंदर आता है, साइबर बुलिंग. नेक्स्ट वी हैव इज साइबर स्टॉकिंग. चेजिंग अ पर्सन ऑनलाइन, अगर आप किसी बंदे या बंदी का ऑनलाइन पीछा करते हो तो वो किसके अंदर आता है, साइबर स्टॉकिंग का. नेक्स्ट वी हैव इज स्कैम्स. एनी बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट एक्सट्रैक्ट मनी. तो यार कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी मेथड जिससे आप दूसरों के कंसेंट के बिना उनसे पैसे निकलवा लेते हो उसे क्या बोलते हैं, स्कैम. नेक्स्ट वी हैव इज फिशिंग. अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ समवन. तो यार कई बार काफी लोग दूसरों का ओटीपी जानने की कोशिश करते हैं तो वो एक तरीके से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आता है, फिशिंग के अंदर. नेक्स्ट जो जो होते हैं हमारे पास, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, स्प्रेडिंग र्यूमर्स, कोई गलत अफवाह फैला रहा है ऑनलाइन, तो वो सारा सब कुछ आता है साइबर क्राइम के अंदर. चाइल्ड पोर्नोग्राफी, देन वी हैव इलीगल डाउनलोड्स, जो भी हम पेड गेम्स या एप्स को डाउनलोड करते हैं सारा साइबर क्राइम के अंदर आता है. ठीक है, ये पैसे चुराते हुए. नेक्स्ट वी हैव कंप्यूटर फोरेंसिक्स. तो यार अब जैसे ही इंटरनेट पे क्राइम हो रहा है तो उस क्राइम को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक ग्रुप ऑफ टीम है जिसे कंप्यूटर फोरेंसिक्स कहते हैं. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. मेथड्स यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कंप्यूटर मीडिया फॉर डिजिटल एविडेंस. ठीक है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका, लॉ प्लस कंप्यूटर साइंस. ठीक है, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉर यूज इन कोर्ट्स. तो यार कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी हुई है तो उसके प्रूफ्स वगैरह कलेक्ट करना किसका काम होता है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का. ठीक है, ये पूरा ट्राई करती है कि जो भी क्राइम हुआ है उसके हर एक प्रूफ ये कंप्यूटर से अवेल कर पाए एकदम ओरिजिनल फॉर्म में. एम इज टू प्रिजर्व एविडेंस इन इट्स मोस्ट ओरिजिनल फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट अब कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का एक सब टॉपिक है, दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट. डिजिटल फुटप्रिंट आर परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट यू डू ऑन इंटरनेट. तो यार ये परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं आप इंटरनेट पर क्या क्या करते हो, बस ये छोटी सी डेफिनेशन थी डिजिटल फुटप्रिंट की. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया तो पता ही होगा सबको, मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर, हमारे पास है फेसबुक है, प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन शेयर टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोस, वी कैन ऑल्सो व्यू, लाइक, पोस्ट, कमेंट एटसेट्रा. ठीक है, सेकेंड वी हैव इज ट्विटर. अब ट्विटर भी बहुत लोग यूज करते होंगे, ये एक्ट करता है एज अ माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट जिसपे हम ब्लॉग की तरह इसे यूज कर सकते हैं टू पोस्ट स्मॉल मैसेज. इसकी मैक्सिमम होती है 280 कैरेक्टर्स की. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लिंक्डइन. तो यार ये पूरा बिजनेस और वर्क रिलेटेड एक सोशल साइट है जिसपे हम रिज्यूमे बना सकते हैं और वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं.
ठीक है, इंस्टाग्राम भी सेम फेसबुक की तरह है, पिक्चर्स वीडियोस रील्स वगैरह हम शेयर कर सकते हैं। तो यार ये लोगो है, ये स्नैपचैट का है, ये ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, बाकी इसमें तो खुद बना के कुछ भी लग तो मार्क्स मिल जाता है। एक्सप्लेन स्पेसिफिक यूसेज रूल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो यार बेसिक रूल्स तुम्हारे बुक में गिवन है सोशल मीडिया यूज करते वक्त। यार पता नहीं कौन ही फॉलो करता होगा, स्टिल हम पढ़ लेते हैं क्या रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करते हुए। ठीक है, फर्स्ट वी हैव इज बी ऑनेस्ट अबाउट योर आइडेंटिटी। तुम्हें यार फेक प्रोफाइल नहीं बनानी चाहिए, ठीक है, मत बनाना। नेक्स्ट वी हैव इज इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन वाइल शेयरिंग योर पर्सनल व्यू यू मस्ट मेंशन दैट दीज आर योर पर्सनल व्यूज एंड नॉट रिप्रेजेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू आर वर्किंग। तो यार जैसे कोई बंदा मीडिया में काम कर रहा है और अगर कोई वो गलत न्यूज शेयर कर देता है तो यार डायरेक्ट ब्लेम तो उस कंपनी में जाएगा जहां पर वो काम कर रहा है। इसलिए अगर हम कुछ भी शेयर करते हैं और हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हमें नीचे मेंशन करना चाहिए कि वो हमारा पर्सनल व्यू है या हम अपनी कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज अदरवाइज यू मे गेट पनिश्ड अंडर सेक्शंस ऑफ साइबर क्राइम। तो यार अब्यूसिव लैंग्वेज अवॉइड करनी चाहिए। तो यार ये इंडिया में बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, गैस स्टिल मत करना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डोंट यूज फेक नेम्स, दूसरे फेक नेम्स यूज नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव नेवर प्रोवाइड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमें अपनी बैंक डिटेल एड्रेस वगैरह फेसबुक पे शेयर नहीं करनी चाहिए, दैट इज सो ऑब्वियस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डोंट पोस्ट समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय योर पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स। तो यार कुछ ऐसा लिखना या पोस्ट करना अवॉइड करना चाहिए जो तुम्हारे घर वालों का ही ना पसंद है, तो बाहर तो बहुत दूर की बात है। नेक्स्ट वी हैव इज ऑलवेज रिस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। तो यार कुछ भी कमेंट वगैरह करने से दूसरों के सेंटिमेंट्स हमें हर्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। यू शुड मॉनिटर कमेंट्स, जो भी कमेंट्स तुम्हारे पोस्ट वगैरह आ रहे हैं तुम्हें उन्हें चेक करना चाहिए, और अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है तो तुम्हें उन्हें रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। तो यार ये था छोटा सा चैप्टर साइबर क्राइम तुम्हारी क्लास 11th का। थैंक यू।